हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आज इस वीडियो में एक होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी जो कि कॉलेज स्टूडेंट ने स्टार्ट किए उसका रिव्यू मैं आप लोगों के समक्ष करने जा रहा हूँ। एंड मैं आशा करता हूँ कि गाइस इस वीडियो को देख के आपको जरूर मोटिवेशन एंड हौसला मिलेगा कि इंडिया में भी हम कुछ कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कर भी रहे। तो गाइस बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस होस्टमेट जो कि एक होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है एंड इसको स्टार्ट किए कॉलेज स्टूडेंट ने एंड ही इज करेंटली 19 इयर्स ओल्ड। जी हाँ गाइस, वो कितने साल के? अभी सिर्फ वो 19 साल के एंड जब उन्होंने इसको स्टार्ट की थी वो की थी इन 2019। अभी तो 2024 है, तो मतलब उन्होंने कब स्टार्ट किया आप सोच लो, लाइक मे बी लाइक यू वॉज 15 या 14, मतलब आप समझ रहे हो गाइस। ये मुझे बहुत औसम लगा, लाइक मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि यार इतने कम एज में लोग आजकल अपनी कंपनी स्टार्ट करें। मैंने बोला मैं जरूर आपको सपोर्ट करूंगा। अब लेकिन उससे पहले मैं बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कैसे पता चला अबाउट होस्टमेट? तो गाइस मेरी अपनी खुद की एक डिस्कॉर्ड सर्वर है एंड उन्होंने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर बेसिकली थापा टेक्निकल लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया एंड मुझे उनका मैसेज आया कि आप प्लीज आप एक बार ये जो कंपनी है इसको चेकआउट कर सकते हो, अपना रिव्यू आप दे सकते हो। मैंने बोला ठीक है भाई देख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा इज इट जेन्युइन और नॉट, है ना, क्योंकि बहुत सभी फेक भी आता है राइट। तो मैंने जस्ट चेक किया है ना एंड मैंने ये देखना चाहा कि इसका अबाउट पेज किधर है। सो हियर वी हैव दिस अबाउट अस का पेज। सो गाइस इनका जो ये अबाउट पेज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि लाइक ये जो जर्नी है इनकी बिगिन स्टार्ट हुई थी ऑन 18th अप्रैल 2019 जो कि स्टार्ट की थी पीयूष ने, ठीक है। एंड इसको एक्चुअली में अगर हम देखते तो लाइक इनकॉर्पोरेटेड बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था ऑन लाइक 20 जुलाई 2023 को। मैंने बोला वाह सही है। फिर मैंने जब थोड़े लीगल इन्फॉर्मेशन देखा तो मुझे पता चल गया इट्स अ जेन्युइन कंपनी एंड पीयूष जो है गाइस ही इज करेंटली 19 इयर्स ओल्ड, यू नो, एंड आई वाज शॉक्ड यार। मैं बोला बाप रे, अभी अगर 19 साल का तो 2019 में कितना था? अब ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। तो गाइस तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई अगर कुछ अपना स्टार्ट कर रहा है तो गाइस सपोर्ट करना तो बनता है, ऊपर से इंडियन बेस्ड है। एंड फिर मैंने इनसे फर्दर कॉन्टेक्ट की, मुझे ये पता चला ही इज फ्रॉम बीकानेर एंड बीकानेर में फिलहाल अभी वो आईटी बीटेक कर रहे, ठीक है, बट ही इज फ्रॉम बीकानेर एंड मे बी गाइस अपना जो मेरी कॉल जब मैं स्कूल में था 7th 8th 9th एंड देन 10th जो 10th का बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, इवन वो भी मैंने बीकानेर से ही की है। इवन जो टेक्निकल गुरु जी उनको सब जानते हैं, उन्होंने भी अपनी जो कॉलेज है वो बीकानेर से ही की थी। तो मुझे लगा यार सही अपना ही भाई ये बीकानेर, तो मैंने बोला बनता है फिर। तो या गाइस तो अब हम बिना किसी देरी के हमारा ये जो होस्टमेट कंपनी है इनका हम रिव्यू करते हैं। सो एट द एंड ये है तो आपका एक होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी, तो हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि हमें जो सर्विस चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं या नहीं, क्योंकि एट द एंड आप एक कस्टमर हो, मैं भी एक कस्टमर हो एंड हमारे लिए ये मैटर करता है कि इज इट स्टार्टअप और एकदम सक्सेसफुल कंपनी, हमारे लिए ये मैटर करता है कि कितना रिलायबल है, प्राइस कितना कम है, सर्विसेज कितना ऑसम है, राइट। एंड ये वीडियो मैं शेयर भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी पता चले एंड सेकंड ये आपको पता चले कि कैसे आज के टाइम में सब कुछ अपने पास है, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, यूट्यूब में सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री, इवन मैं भी पूरा वेब डेवलपमेंट फ्री में डाल रहा हूँ। तो गाइस अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप अपने आप को एकदम छोटा नहीं समझना है, हार नहीं मानना कि जॉब मुझे नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो खुद से डेवलप करो, बनाओ जॉब, लाइक फ्रीलैंसिंग करो, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के ऑनलाइन, सब कोशिश कीजिए। इन्होंने किया है तो देखो कैसे मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। अगर आपका भी कोई अपना खुद का एक ऑसम स्टार्टअप हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस, मैं भी जरूर चेकआउट करूंगा, ठीक है। इससे हम गाइस एक सब मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं इसका यूजर इंटरफेस की बात करना चाहूंगा एंड इसको देख के ये लगता है कि लाइक मैं बोलूंगा इट्स क्वाइट नाइस, एकदम सिंपल रखा है, जितना चाहिए उतना ही इन्होंने रखी है, एकदम वाओ मैं नहीं बोलूंगा बट इट्स क्वाइट नाइस, है ना। सेकंड आ जाता है आपका यूजर एक्सपीरियंस, जब भी कोई वेबसाइट पे आता है तो यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला, लाइक गेट स्टार्टेड पे क्लिक की, फास्ट है, अच्छा है, जो हमें चाहिए वो दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा बॉटम पे जाते हैं बराबर है, ठीक है, ऑर्डर प्लान्स, मतलब यूजर एक्सपीरियंस भी मैं बोलूंगा सही है। एंड सेकंड बेस्ट पार्ट मुझे यूजर एक्सपीरियंस में ये लगा लाइक दे हैव दिस चैटबॉट जो कि लाइक विद इन 3 or 5 minutes आपको लाइक रिप्लाई देगा। एंड बेस्ट पार्ट ये मैंने बहुत रेयर देखे है कंपनी में, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप बटन है एंड इट्स जेन्युइनली लाइक वर्किंग। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइस ये डायरेक्टली आप लाइक डायरेक्टली इनको मैसेज कर सकते हो पर्सनल वो भी व्हाट्सएप पे एंड नंबर आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो जो कि बहुत औसम बात है, इसके लिए हिम्मत चाहिए राइट, मतलब बहुत सही लगा मुझे। तो यूजर एक्सपीरियंस तो गाइस मैं बोलूंगा औसम। अब रही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होस्टिंग की,
तो कौन कौन से सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं? देखो गाइस, टॉप पे अगर हम देखते हैं, सो लाइक दे हैव दिस होस्टिंग, तो उनके पास सेड होस्टिंग है, आई वॉज लाइक वर्डप्रेस होता है, क्लाउड होस्टिंग होती है, वीपीएस होस्टिंग होती है. तो लाइक सिर्फ सेड मैंने बोला चलो ठीक है देख लेते, बट देन आई रियलाइज कि दे हैव वीपीएस ऑल्सो हियर. तो वीपीएस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फिलहाल अभी कमिंग सून बता रहा है. एंड जब मैंने उनसे बात की भाई वीपीएस कब आएगा, तो उन्होंने बोला कि सितंबर में आने वाला है. एंड ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर रहे थे, बट नाउ इट्स आउट ऑफ स्टॉक. मतलब जितना था वो ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है, लोग यूज कर रहे, तो अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है. तो सितंबर में तक ये लोग वापस लेके आएंगे ऐसा कह रहे, ठीक है, जो कि अच्छी बात है. तो जब लेके आएंगे तब हम देखेंगे, बट अभी नहीं है. तो हम चलते हैं हमारे सेड होस्टिंग पे. एंड एक और चीज सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे, दैट इज आप यहाँ पे डोमेन को भी गाइस बाय कर सकते हो, एंड ट्रांसफर एंड ऑल वो सब कुछ यहाँ पे आप नॉर्मल कर सकते हो, जो बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी आपको मिलती है. तो ठीक है, इनका हम वापस होम पे चलते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट कि इनकी जो होस्टिंग के जो फीचर्स है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. सबसे पहले दे आर लाइक कि हाई क्वालिटी हार्डवेयर. अभी हाई क्वालिटी हार्डवेयर क्या होता है, तो दे आर लाइक कि दे आर यूजिंग एएमडी हार्डवेयर, और दूसरा रैम दे आर यूजिंग DDR4 रैम. तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, इवन मेरे जो पीसीस को भी जब मैंने बिल्ड की थी, तो मैंने भी लाइक एएमडी को सिलेक्ट की थी ओवर इंटेल, एंड आई एम यूजिंग एएमडी राइजिंग 7. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटेल खराब है, इंटेल भी बहुत ऑसम है, बट एएमडी में गाइस आपको सेम प्राइस में थोड़ा बेटर कोर्स मिल जाता, तो ज्यादा फायदा यही है फिर, राइट. एंड दे आर लाइक कि जो लेटेस्ट है यू नो उनका हार्डवेयर वो यूज कर रहे. एंड दूसरा DDR4, तो इट्स अ डबल डेटा रेट, एंड इट्स ये एक रैम है. लाइक जब भी आप कोई प्रोसेस करते हो, तो वो रैम क्या करता है, प्रोसेसर को लाइक रिक्वेस्ट करता है, एंड देन वहां से फिर डेटा मिलके रैम एंड देन हमें मिलता है, राइट. तो होता ये है DDR4 का सिंपल मतलब ये है, इट ट्रांसफर द डेटा टू द प्रोसेसर. प्रोसेसर तक डेटा ट्रांसफर करने का काम रैम का होता है. तो जितना बेटर रैम रहेगा, उतनी जल्दी रिक्वेस्ट वो रैम तक पहुंचाएगा, आई मीन सीपीयू तक पहुंचाएगा, उतना जल्दी वो हमें रेस्पॉन्स देगा. सो बेटर जितना होगा रैम, उतना ऑसम आपका जो रिक्वेस्ट है क्विक हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. हालांकि DDR5 अभी लेटेस्ट चल रहा है, बट DDR4 बहुत ही ऑसम है, एंड जो कि मतलब सही है. चलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं एंड बता भी रहे, बहुत सारे लोग नहीं बताते. ऑप्टिमाइज सर्वर, तो मैंने पूछा उनसे व्हाट इज दिस ऑप्टिमाइज सर्वर मींस, क्योंकि सबका ही ऑप्टिमाइज होता है, राइट. तो उन्होंने कहा कि लाइक उनका जो सर्वर है, इट्स जर्मनी बेस्ड, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में उनका सर्वर है, एंड मोस्टली जो प्रोवाइडर्स होते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर, उनका यूएस बेस्ड होता है. ये जरूर है कि जो लेटेंसी है वो उनकी थोड़ी ज्यादा होती है, अगर हम कंपेयर करते उसको जर्मनी से. तो आप ये कह सकते हो कि यूएसए बेस्ड जो सर्वर्स है वहां पे 300 मिलीसेकंड्स के आसपास का गाइस लेटेंसी रहती है, बट व्हेन इट कम्स टू जर्मनी वहां पे जो है वो 180-220 मिलीसेकंड्स हो जाती है, जो कि अच्छी बात है, राइट. लेटेंसी क्या है मैं आपको एकदम एंड में बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा. एंड देन लाइट स्पीड वेब सर्वर, तो बाय द वे मोस्टली सभी लाइट स्पीड ही यूज करते हैं. इसका सिंपल फंडा ये, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो, एंड देन आपको रेस्पॉन्स आता है, वो फिर हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है. बट आप बार बार सेम चीज को रिक्वेस्ट करोगे, एंड देन तो ये सही नहीं है ना कि सेम चीज के लिए सर्वर को बार बार रिक्वेस्ट करते जाओ. तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट स्पीड में दे यूज्ड कैसे कैश, आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम तो चलो सर्वर ने डेटा दे दिया, लेकिन जैसे डेटा आपको मिलता है वो अपने मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है ब्राउजर के मेमोरी में. तो सेकेंड टाइम अगर आप उसको कुछ रिक्वेस्ट हिट करते हो, तो वो सर्वर को इतना करके वो देखता है कि अरे ये तो ब्राउजर के मेमोरी में ऑलरेडी है कैश वाला फाइल, तो वो हमें दे देता है. तो ये फास्ट हो जाता है इससे, तो इससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड वो बढ़ जाती है. उनका सपोर्ट है 24/7. हालांकि कॉल सपोर्ट तो आई गेस व्हाट्सएप ऐप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट सपोर्ट है. मैंने ट्राई किया था व्हाट्सएप करके भी, मुझे कुछ तो समथिंग समवेयर अराउंड लाइक 15 मिनट्स के आसपास में रिप्लाई आ गया था, बट यहाँ पे क्विक रिप्लाई मिल जाएगा आपको. वेबसाइट बिल्डर क्या मैं आपको एंड में बताता हूँ, एंड फ्री वीकली बैकअप. चलो ठीक है, तो बहुत ऑसम है, एंड एक बार इनके प्लान्स को हम चेकआउट कर लेते, ठीक है. एंड गाइस अगर आपका कुछ राय है, अगर आपका कुछ सजेशन है इनको होस्टबेट इन कंपनी को, तो आप प्लीज कमेंट करके उनको बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, या आपको क्या लगता है कि आप इसमें और बेटर कर सकते हो एंड ऑल, है ना. ऑलराइट, तो इनका आप देख सकते हो, वी हैव अ मंथली 1 ईयर एंड देन 3 ईयर का प्लान है, ठीक है. मंथली अगर हम देखें तो इट्स 60 रुपीज पर मंथ, आई मीन बहुत ही कम है, अच्छा, बट एक ही वेबसाइट, तो आई गेस सिर्फ एक वेबसाइट गाइस मजा नहीं आएगा, बिलीव मी. एक वेबसाइट मतलब फिर क्या करोगे आप यार, आपने अपना कर लिया, कल के दिन अगर आपको फ्रीलांसिंग करना रहा उसका भी, तो वेबसाइट आपको अगर होस्ट करना रहा तो नहीं कर पाओगे. तो इसमें सिर्फ 3 है जो कि ठीक है, इनोवेटर एटलीस्ट ये थोड़ा फिर भी हम इसको ट्राई कर सकते. वी आर गेटिंग एटलीस्ट 5 सब डोमेन भी बहुत जरूरी होता है. एंड फ्री SSL सर्टिफिकेट तो आपको हर जगह मिल रहा है. एंड अनमीटर्ड बैंडविथ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बैंडविथ का सिंपल फंडा क्या होता है,
सिंपल फंडा ये होता है कि एट अ टाइम आप अपने वेबसाइट का जो डेटा को कितना सेंड कर सकते हो और कितना रिसीव कर सकते हो. सो बेटर बैंडविथ, या जितना ज्यादा बैंडविथ होगा उतनी फास्ट डेटा आप सेंड एंड देन रिसीव कर पाओगे. समझ लो, बहुत सारी जगह पे आपको एक फिक्स्ड बैंडविथ मिलता है कि इससे ज्यादा अगर आपका रिक्वेस्ट आ रहा है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा आपका जो भी वेबसाइट है. बट यहाँ पे जितना इनके पास लिमिट है इनकी बैंडविथ की, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे. अनलिमिटेड मतलब कोई उसमें लिमिट नहीं है. अगर लेट्स से ये लोग 100 Mbps या 500 Mbps या 1 Gbps यूज कर रहे, तो उतना कंप्लीटली आप यूज कर सकते, उसके ऊपर आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है. तो अनलिमिटेड बैंडविथ मिलना भी बहुत अच्छी बात होती है. एंड बाकी सब तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं. एंड बेस्ट पार्ट एक और चीज है, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी रखा है कि भाई सीपीयू एक होगा, रैम 2 GB का आपको मिला, क्योंकि बहुत सभी जगह पे कैसे आपको 768 MB 1 GB रैम ऐसा मिलता है. बट लाइक इवन स्टार्टर में दे आर प्रोवाइडिंग अस 2 GB का रैम. एंड iPhone इनपुट आउटपुट, बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. वही जो रिक्वेस्ट हम करते हैं ना, प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करना एंड देन हमें जो रेस्पॉन्स आना इनपुट, हालांकि इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट ये मेंशन किया इन्होंने तो अच्छी बात लगी. प्रोफेशनल सही लगा, जहां पे आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है. बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं, इधर वी शुड गो विद बिजनेस और अ बिजनेस अल्टीमेट, क्योंकि 10 वेबसाइट तो इनफ रहेगा ना मेरे हिसाब से. 10 वेबसाइट तो ठीक है, एंड आपको 20 सब डोमेन मिल रहा है जो कि इनफ है. क्योंकि सब डोमेन में क्या होता है कि गाइस आप अपने क्लाइंट के लिए कुछ काम कर रहे हो, तो आप सब डोमेन में अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको होस्ट करके उनको शेयर कर सकते हो. आपको उनके लिए वेबसाइट बाय करने की नीड नहीं, सब डोमेन आप क्रिएट करो जो कि फ्री में बन जाता है, एंड होस्ट करके उनको दिखा दो कि ऐसा वेबसाइट आपको दिखने वाला है. एंड जब क्लाइंट रेडी हो जाता तब आप बाय कीजिएगा उनके पैसे से. अपने पैसे से क्यों करना, राइट? तो ये भी सही है. तो मैं तो ये बोलूंगा गाइस, अगर आप सब बाय करने का सोचो, देन आई गेस बिजनेस और अ बिजनेस अल्टीमेट इज फाइन. मैं नहीं बोल रहा पैसे ज्यादा है बोल के, बट मतलब 5 वेबसाइट का क्या करूंगा मैं. अगर आपको लगता है कि 5 में आपका काम हो जाएगा, देन ये भी बहुत परफेक्ट है. सिर्फ 200 rupees पर मंथ है ना. तो गाइस मैं तो बोलूंगा सही है ये. एंड ये जो 600 में तो सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिला, जो कि बहुत ही ऑसम है. बेस्ट पार्ट जर्मनी में इनका लोकेशन है. एंड मैंने इनसे बात की है ना, तो मैंने ये बोला कि यार जर्मनी में है चलो अच्छी बात है, एशिया में क्यों नहीं है. तो गाइस उन्होंने कहा कि एक यूएसए में भी हम करने वाले हैं, दूसरा हम इंडिया में भी करने वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है. तो मतलब जो जर्मनी में जितना लेटेंसी हमें लग रही थी उससे बहुत ही कम तो गाइस अब इंडिया में लगेगा, क्योंकि इंडिया में ही हम रहते हैं, राइट? तो या गाइस आई थिंक इसमें और हम रिव्यू तो अब क्या करें, राइट? मेरे हिसाब से इतना रिव्यू ठीक है. एंड अगर आप चाहते हो या अगर आप इसमें भी एक्सपर्ट हो, तो आप भी अपनी राय जो है नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इसमें क्या पसंद लगा या क्या पसंद नहीं लगा, या क्या चाहते हो कि इसमें इन ये लोग ऐड करें. एंड हाँ, एक और चीज, आपने अगर नोटिस की हो या ना की हो, इन्होंने अपने हर एक प्लान पे NVMe SSD स्टोरेज रखा हुआ है. एंड मैंने फर्दर बात की कि कौन सी NVMe, तो इट्स लाइक कि सैमसंग का. ऐसे बहुत सारे NVMe है, बट सैमसंग को टॉप में माना जाता है. एंड बहुत सारे लोग अभी भी SSD देते हैं, जो कि अच्छी SSD भी बहुत अच्छा है, क्योंकि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव से कहीं बेटर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, उससे कहीं बेटर आपका ये NVMe होता है. इवन मेरे PC में भी NVMe लगा हुआ है एंड मेरे पास SSD भी है. तो इन्होंने अपने हर एक प्लान पे NVMe रखा है, जो कि बहुत ही ऑसम बात है. तो गाइस आई थिंक रिव्यू हम इतना ही करेंगे, क्योंकि फिलहाल इन्होंने पास सिर्फ शेयर होस्टिंग है. मुझे तो ये बेस्ट पार्ट लगा कि 19 ईयर्स का स्टूडेंट, उन्होंने मुझे रीच आउट की, मुझे उन्होंने कुछ समझा है ना. मुझे लगा यार इतना तो हेल्प बनता है. एंड रही बात दूसरी बीकानेर से, मैं भी वहां पे था. एंड थर्ड तो गाइस मुझे भी सर्वर की नीड तो होती है, एंड मैं ऑलरेडी सर्वर यूज भी कर रहा हूं. मैंने सोचा क्यों ना हम इनसे भी एक बार बात कर ले, देखे क्या है ऐसा यूनिक. तो गाइस अब मैं कुछ इनके USP बताना चाहूंगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट आप जिसे कह सकते हो. सबसे फर्स्ट तो गाइस मैं सिंपल कहना चाहता हूं कि भाई इन्होंने जो ये अपने इतने कम उम्र में किया है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है. वही मेरे लिए एक मेजर USP थी. ही इज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, बट इन्होंने 2019 में स्टार्ट की थी एंड मुझे उन्होंने कॉन्टैक्ट की, तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है. सेकेंड, इनकी लेटेंसी. बहुत सभी जगह पे आपको US बेस्ड मिलेगा, बट इनकी जर्मनी बेस्ड है. लेटेंसी का सिंपल मतलब मैं बता देता हूँ. जब आप मोबाइल में गाना सुनते हो या पबजी खेलते हो, ये ईयरबड्स जब आप लगाते हो, तो इधर पे आपने गेम खेला टका टकी एंड फायरिंग हो गई, लेकिन कुछ मिली सेकेंड से इवन आफ्टर 1 second तब आपको फायरिंग डिटिंग डिटिंग आवाज आ रहा है. मतलब आपको मजा नहीं आएगा, देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन. तभी गाइस फिर याद है ये क्यों फेमस हुआ. उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा ईयरबड है जिसमें 0.3 या 0.2 या 0.1 लेटेंसी का आपको मिलने वाला है. इसका मतलब है कि जितना कम लेटेंसी उतना बेटर
मतलब यहाँ पे आपने फायरिंग की, फट से इधर पे आवाज आ गया, समझ रहे हो? मतलब इट्स सेम लाइक कि आप बहुत दूर से क्रैकर्स फायरवर्क्स देख रहे हो, जहां पे वो इवन लाइटनिंग, राइट, हमें दिख रहा है कि लाइटनिंग होगी, लेकिन उसके कुछ सेकंड्स के बाद जाके हमें साउंड सुनाई दे रही है। इसको आप लेटेंसी कह सकते हो। अगर लेटेंसी एकदम जीरो होती, देन गाइस उधर लाइटनिंग, इधर ठंड 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 थंडर की आवाज आ जाती, समझ रहे हो? सो सेम इनका जो है गाइस, जितना हमारा सर्वर हमसे करीब रहेगा, लेटेंसी उतनी कम होगी, उतना फास्ट अपना स्पीड होगा, राइट? तो पहला ये, अभी ये लोग इंडिया में कर रहे हैं, जो कि अच्छी, इंडिया में भी लेके आने वाले, अच्छी बात है। एंड गाइस थर्ड, अगर मैं बोलूँ तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, व्हेन इट कम्स टू योर प्रोसेसर और रैम और ग्राफिक, जो भी आप कह लीजिए, तो गाइस वो मुझे बेस्ट लगा, है ना, कि ये लोग लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। तीसरा, दे हैव देयर ओन डेडिकेटेड सर्वर जो कि जर्मनी बेस्ड है, एंड उसको मैनेज करने के लिए भी दे हैव हायर हाईली एक्सपीरियंस डेवलपर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अगर मैं नेक्स्ट यूएसपी की बात करता हूँ, तो वो एक वेबसाइट बिल्डर जरूर होगा, जहां पे दे आर यूजिंग अ साइटपैड, मतलब ओवर 800+ टेम्पलेट्स इनके पास है। यू नो, आप कोई भी प्लान बाय करते हो तो आपको, आप वेबसाइट बिल्डर का यूज कर सकते हो। इट्स लाइक अ वर्डप्रेस, जहां पे एलिमेंटर में यू नो आप कोई भी थीम सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो ये आपको 800+ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको जो मानो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड देन आप पोस्ट कर सकते हो। एंड यहीं पर एक और चीज ये बोलना चाहूंगा गाइस, दे आर यूजिंग अ डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल, जो कि सी पैनल से बेटर होता है, ठीक है? तो ये तो गाइस जब आप यूज करके तब आपको पता चल जाएगा, जस्ट बता रहा हूँ, दे आर यूजिंग अ डायरेक्ट एडमिन जो कि बहुत बेटर है सी से, सी पैनल बेसिकली, ठीक है? तो गाइस ये था इनका यूएसपी। एंड एट द एंड तो बस ये बोलूंगा कि लाइक व्हाट्सएप सपोर्ट भी इन्होंने दी है, ये प्रॉपर आपसे लाइक कॉल में भी बात करेंगे, व्हाट्सएप में भी आपको रिप्लाई देते, तो ये भी बहुत ही ज्यादा औसम है। तो आपको वो डरने वाली बात नहीं कि अरे मैंने ये बाय कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनके टेक्निकल सपोर्ट टीम है जो आपकी हेल्प जरूर करने वाले। सो या गाइस मेरे एंड से आज इतना ही, मुझे लगा यार बनता है इनका रिव्यू। तो आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा, यार एक कॉलेज स्टूडेंट ने इतना औसम वेबसाइट बना के भी लाइक कंपनी स्टार्ट कर दी, तो मैं एटलीस्ट अपना एक करियर तो स्टार्ट कर सकता हूँ एज ए फ्रीलैंसिंग, ताकि घर बैठे बैठे मैं अपना कुछ कमाई कर लूँ, अपना जो कॉलेज का फीस है वो भर सकूँ, पापा मम्मी पे मैं डिपेंडेंट ना रहूँ, समझ रहे हो? लाइक इवन यूट्यूब भी एक प्रकार से गाइस इंडिपेंडेंट ही है, अपना खुद का है यहाँ पे, ठीक है? फ्रीलैंसिंग करो या यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ या ऑनलाइन पढ़ाओ, बहुत कुछ आप कर सकते हो यार। जैसे इन्होंने तो कंपनी स्टार्ट कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट? तो गाइस आपको कैसा लगा आज का वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं तो ये भी चाहूंगा गाइस आप अपना राय भी शेयर कर सकते हो रिगार्डिंग होस्टबेट, कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या आप चाहते हो कि इसमें अगर आप ये फ्यूचर भी ऐड करोगे तो और बेटर हो जाएगा, तो गाइस आप वो भी शेयर कर सकते हो। एंड एक और चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपका भी कोई स्टार्टअप है जो आप चाहते हो मैं दुनिया तक शेयर करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? आप भी चाहो तो मुझे डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल राइट गाइस, तो फाइनल में अगर अपना वर्डिक्ट बोलूं तो गाइस मुझे तो बहुत ऑसम लगा, जस्ट मैं तो ये सुन के खुश हो गया था कि कॉलेज स्टूडेंट ने स्टार्ट किया, इतना मेहनत तो कर रहा है, इवन लाइक सब कुछ ऑलरेडी वो अपने एंड से कर रहा है, राइट? एंड प्राइस भी एकदम रीजनेबल है, सर्विसेज एकदम बेस्ट है, एंड ऑलमोस्ट एकदम ट्रांसपेरेंट रखा है भाई, क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपको नहीं मिलने वाला है, तो एटलीस्ट मैं एक ट्राई इसको जरूर देने वाला हूँ, ठीक है? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आपको क्या लगता है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा, अगर आपकी भी कोई स्टार्टअप स्टोरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपसे मैं जरूर कनेक्ट करूंगा। एंड ऐसे ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करो, इसलिए गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।